अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मलून खातून उस्मान के पास अपने बाबा से मिलने की इजाज़त मांगने आती है। उस्मान मलून से कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये सुनकर मलून उस्मान का शुक्रिया अदा करती है और फिर सरदारी खैमे से चली जाती है। इस किस्त के आगाज़ में बाला उस्मान से कहती है, उस्मान क्या तुम सच में उमर बे से मिलने जाओगे? उस्मान कहता है, मैं एक सरदार से मिलने नहीं जा रहा, मैं अपनी फ़ौज के एक कीमती हिस्से का मुआयना करने जा रहा हूँ। बाला कहती है, आपकी राह में कोई रुकावट ना आए, तेज़ी से जाएं और तेज़ी से वापस आएं। ये कहकर बाला वहाँ से जाने लगती है तो उस्मान बाला को आवाज़ लगाकर रोक लेता है और कहता है, जब से मलून खातून कबीले आई है तुम सर्द पड़ गई हो बाला। बाला उस्मान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, मेरे सरदार जब भी मैं उसे देखती हूँ वो चारों तरफ घूम रही होती है, उसके हाथ हर जगह पहुँच जाते हैं। उस्मान बाला का हाथ पकड़ता है और बाला को दिलासा देते हुए कहता है, बाला जब से मलून यहाँ आई है उसने बहुत सी गद्दारियों का सामना किया है, उसका अपने कबीले के लिए परेशान होना उसका हक है। बाला कहती है, उस्मान मैं उन पर भरोसा नहीं करती जिन्हें आप पर भरोसा ना हो। ये कहकर बाला उस्मान से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, आपका सफ़र आसान हो सरदार। ये कहकर बाला अपने खेमे में चली जाती है। बाला के जाने के बाद उस्मान गहरी सोच में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ दुंदार अपने खेमे में ठहर रहा था। इसी दौरान पैथरोस अंदर आने की इजाज़त मांगता है। दुंदार पैथरोस को अंदर आने की इजाज़त दे देता है और फिर जब पैथरोस अंदर आता है तो दुंदार गुस्से से कहता है, उस्मान कैसे इतनी बड़ी फौज से बच निकला? पैथरोस कहता है, उसे जंग में शिकस्त हो गई थी, हर किसी ने उसे जंग में शिकस्त खाते हुए देखा, हमारे लिए इतनी फतह काफ़ी होनी चाहिए दुंदार। दुंदार कहता है, कैसी फतह? उसने फ्लैतियस को कैदी बना लिया था, वो तो शुक्र है कि साउची ने फ्लैतियस का काम तमाम कर दिया। इसके अलावा हमारे कबीले के बहुत से सिपाही मारे गए, वो सब मेरे बच्चों की तरह थे। पैथरोस कहता है, यकीनन तुम्हारा दिल टूटा होगा लेकिन तुम्हारे पास अपने हाथों को खून से साफ करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। दुंदार कहता है, जल या बदेर उस्मान मरेगा। ये कहकर दुंदार अपना मुंह दूसरी जानिब करने लगता है तो पैथरोस कहता है, परेशान ना हो दुंदार साहिब, कुछ बहुत ख़तरनाक चीज़ उस्मान से मिलने के लिए रास्ते पर रवान है। ये सुनकर दुंदार हैरानी से पैथरोस की तरफ देखता है और पूछता है, क्या है वो? पैथरोस कहता है, गेहातू का शिकारी कुत्ता काला शुमंतु गाय। दूसरी तरफ उस्मान और मलून उमर बे से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उस्मान और मलून के सिपाही भी थे और वो अपने घोड़ों पर सवार होकर तेज़ी से मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। रास्ते में तो गाय और उसके सिपाहियों ने घात लगाया हुआ था। जैसे ही उस्मान और उसके सिपाही आगे निकल जाते हैं तो गाय और उसके सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। फिर दो दिन के बाद का मंजर दिखाया जाता है। काई कबीले में उस्मान के करीबी साथी सरदारी खेमे में जमा थे। गुप्तोग उस्मान को बताता है, तो गाय नौयान का बेटा है हजूर। ये सुनकर बंसी साहब कहते हैं, यानी मरने से पहले एक बार फिर मुकद्दर में उस सांप का नाम सुनना लिखा था। उस्मान कहता है, मतलब हमारे दुश्मन भी इजदाद की मीरास हैं। बंसी कहते हैं, ऐसा ही है उस्मान, हम अर्तुल साहिब के साथ मिलकर उस शैतान की जड़ें काटने में कामयाब नहीं हो पाए, मगर अब उसकी जड़ें काटना आपके नसीब में होगा। गुप्तोग तोगाई की कहानी सुनाते हुए कहता है, दुश्मन ने उसके कबीले पर हमला करके ख़ानदान को कत्ल कर दिया, दो भाई गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ ये बचा और ये जंगलों में पला बढ़ा, कहा जाता है कि खंजीरों का दूध पीता रहा है। फिर शामान मनहूस ने इसे पाला पोसा। ये सुनकर उस्मान कहता है, मतलब इसी वजह से इसे कारा शुमंतु गाय कहा जाता है। बंसी साहब पूछते हैं, मगर बाकी भाइयों का क्या बना? गुप्तोग कहता है, तो गाय ने उन्हें बचा लिया और अब वो इसके साथ हैं। उस्ताद दाऊद कहते हैं, मैं जब हलब में था तो लोगों से इसके बारे में सुना था। इसके लश्करियों का कहना है कि पानी इसे डबो नहीं सकता और आग इसे जला नहीं सकती। उस्मान कुछ सोचने के बाद कहता है, तवील अरसा से ऐसा कोई दुश्मन नहीं टकराया था। उस्मान सरदारों से कहता है, साहिबान अपनी तलवारें तेज़ कर लें और अपने इंतकाम के जज्बे को हवा दे लें। अगर मैं इस्लांती के टुकड़े टुकड़े करके परिंदों को ना खिलाऊं, तो मुझे कोई अर्तुल गाजी का बेटा सरदार उस्मान न कहे। उस्मान कहता है, गिहातू ने उसे हमारी रिहायशी मंसूबों में रुकावट बनने के लिए भेजा है। गुप्तोग कहता है, अगर तोगाई यहाँ आया है तो बहुत मुसीबतें आने वाली हैं हजूर। उस्मान कहता है, कल सोगोत में सरदारान का जिरगा मुनक़द किया जा रहा है, उमर साहिब ने भी मेरी दावत कबूल करने का कहा है, तमाम कबाइल के सरदारान सोगोत तशरीफ़ लाएंगे, सिर्फ दुदुर्गा के सरदारान जिरगे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उस्मान साउची से कहता है, हमारी तमाम एहतियाती तदाबीर में इजाफा होना चाहिए भाई जान। साउची अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, फिक्र मत करें जनाब। इसके बाद उस्मान खड़ा होता है और कहता है, मुझे साउची भाई से कुछ बात करनी है। ये सुनकर बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उमर साहिब भी अपने सरदारी खेमे में बैठे थे। मलून खातून उमर बे के पास आती है तो उमर बे कहता है, उस्मान साहिब की मेहरबानी से पेश आते हुए हमारे पास तशरीफ़ लाकर सरदारान की जिरगे में दावत देने का मतलब है कि वो मुझसे बहुत कुछ चाहते हैं। मलून कहती है, तमाम कबाइल के सरदारान को दावत देने का मतलब ये है कि उन्हें बड़ी फतह से मुतल्लिक कोई ख़ास बात करनी होगी। आपको मकतूब रवाना करने के बाद मेरा ख्याल था कि आप उस्मान की पेशकश कबूल नहीं करेंगे,
उमर बे कहता है एनातोलिया के सरदारान अपनी बारी का इंतखाब कर चुके हैं, कज़ियल कबीले ने भी वतन बनाने की इजाज़त मांगी थी, इसीलिए हमने रद्द नहीं किया। करमियान, ओगलू और कोनिया में हम अपने रेवड़ भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं चरा सकते थे। यहाँ खैमे के सतून गाड़ो, वहीं उनका कुछ लेना देना निकल आता था। मलन पूछती है तो उस इलाके का कोई बड़ा नहीं है वालिद, क्या अरतरुल गाजी और उस्मान ने बजंतीनियों से तलवार के जोर पर कोई और इलाका हासिल किया है? उमर बे मलन के पास आते हैं और कहते हैं बेटी हम भी आइंदा काफरों से लड़कर इलाके फतह करेंगे, अपने आस पास देखो क्या यहाँ उस्मान के अलावा कोई और बड़ा सरदार नजर आता है? मलन कहती है बिल्कुल नहीं, मगर इतने दुश्मनों और गद्दारों की मौजूदगी में उस्मान साहिब कायों की सलामती को भी बाकी नहीं रख सकेंगे। ये सुनकर उमर बे कहता है सलामती उनके कबीले की हो या हमारे कबीले की, एक ही बात है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि बेटी हमारा परचम न झुकने पाए। मलन कहती है हो सकता है कि उस्मान साहिब आर्मीना की शिकस्त और गद्दारी वाले गाद के मामले में हमारी तरफ देख रहे हों। उमर बे कहता है मेरी बात सुनो, ये असूल है कि गद्दारी कभी दूर से नहीं होती बल्कि करीब से होती है। फिर उमर बे मलन से पूछते हैं क्या गद्दारी के मुतल्लिक तुम्हारे पास कोई सबूत था? मलन दुंदार की अंगूठी अपने वालिद को दिखाते हुए कहती है मैंने मकतूब में कत्ल के वाक़े का जिक्र किया था और ये अंगूठी मुझे कातिल के रास्ते से मिली थी। ये सुनकर उमर बे अंगूठी को पकड़ लेते हैं और फिर उसे गौर से देखने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उमर बे कहते हैं देखते हैं कि अब ये अंगूठी किसकी उंगली में आती है। दूसरी तरफ उस्मान साउची से कहता है फ्लैटियस के कत्ल की वजह से मैं कबीले का गद्दार तलाश नहीं कर पाया। ये सुनकर साउची कहता है मैंने अपने कसास का हक इस्तेमाल किया है उस्मान साहिब और कसास मेरा हक था और चचा दुंदार ने इस बारे में मेरी खुलकर हिमायत की थी। ये सुनकर उस्मान हैरानी से पूछता है क्या चचा दुंदार ने हमायत फ्लैटियस के कत्ल से पहले की थी? साउची पूछता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है उस्मान साहिब? उस्मान कहता है बहुत फ़र्क पड़ता है। साउची कहता है फ्लैटियस को मारने से कुछ ही देर पहले चचा दुंदार मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने ही मुझे फ्लैटियस को मारने पर उकसाया था। ये सुनकर उस्मान कहता है तभी तो आप इस कदर गुस्से में आए हुए थे, अब इस गुस्से को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। उस्मान कहता है गद्दार को पकड़ने में मेरी मदद करें साउची, मेरी मदद करें ताकि हम बायोजा के कत्ल से हाथ रंगने वाले गद्दार को घेर कर पकड़ सकें। ये सुनकर साउची जोश में आकर कहता है अगर आप इससे भी बढ़कर कुछ कहें तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ उस्मान साहिब। दूसरी तरफ सोगोत में पैथरोस अपनी इबादत में मसरूफ़ था। इसी दौरान सैम्यून काराशुमन तो गाय और उसके आदमी को वहाँ लाता है। पैथरोस तो गाय से पूछता है तुमने उमर साहिब से मुलाकात के बाद वापस आते हुए उस्मान पर हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें उस्मान को उसी वक्त मार देना चाहिए था। काराशुमन तो गाय कहता है रूहें दुश्मन का नहीं भाइयों का खून बहाना चाहती हैं। ये सुनकर सैम्यून कहता है तुम किन रूहों और किस खून की बात कर रहे हो तो गाय? पैथरोस कहता है अगर तुमने उस्मान को कत्ल नहीं करना तो फिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? तो गाय तीर को पैथरोस की तरफ करते हुए कहता है एक तीर से एक शख्स को मारना बेवकूफ़ी है, हदफ तक पहुंचने वाला एक तीर माहिर शिकारी के हाथ से तमाम कबाइल को आमने सामने लाकर खड़ा करेगा और उनकी मौत पर तुर्कमान शोदा के खून पर नहीं बल्कि भाइयों के खून पर मातम करेंगे, ऐसा मातम जो खून के ऊपर खून और गद्दारी के ऊपर गद्दारी पर मुश्तमिल होगा। ये सुनकर पैथरोस कहता है ठीक है मुझे बताओ मैं सुन रहा हूँ। तो गाय तीर को पैथरोस की तरफ से हटा लेता है और नीचे बैठते हुए कहता है उस्मान मरेगा तो उसकी जगह गुंदूज लेगा, गुंदूज मरेगा तो साउची और फिर साउची के बाद कोई और आएगा, सिर्फ उस्मान की मौत से अरतरुल के ख्वाब का खात्मा नहीं होगा। तो गाय कहता है मैं खून बहाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाइयों का खून फुहारे की तरह बहे। ये कहकर तो गाय अपने हाथ में मौजूद तीर तोड़ देता है और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए उस्मान का नाम लेता है। पैथरोस जब तोगाई के साथ आकर बैठ जाता है तो गाय का आदमी कहता है हमने आते हुए सुना है कि उस्मान ने सोगोत में जिरगा रखा है, उस्मान हर जगह एहतियाती तदाबीर बढ़ा चुका है। सैम्यून कहता है उस्मान तनहा नहीं है बल्कि तमाम तुर्कमान सरदारान जहां आने वाले हैं मगर दुदुर्गा के सरदार इवाज नहीं आ रहे। फिर सैम्यून तोगाय से पूछता है अब जबकि पूरे सोगोत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा चुकी हैं तो फिर तुम क्या करोगे तोगाय? तो गाय कहता है दुदुर्गा का इवाज सरदार मेरी चाहत से भी ज़्यादा खून अदा करेगा। तो गाय का आदमी कहता है तो गाय का तीर हदफ पर लगते ही उस्मान के बाप का ख्वाब रावना ख्वाब में बदल जाएगा और फिर तमाम सरदारान उस्मान के दुश्मन बन जाएंगे। सैम्यून कहता है मतलब तुम लोग इवाज सरदार को निशाना बनाओगे? तो गाय कहता है इवाज सरदार का कंधा इस्तेमाल करके उमर सरदार पर वार किया जाएगा। सैम्यून पूछता है मगर तुम जिरगे में कैसे दाखिल होगे? तो गाय कहता है क्या कोई ऐसा सुराग है जिसमें सांप ना दाखिल हो सके? ये सुनकर सैम्यून और पैथरोस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पैथरोस तो गाय से कहता है तो फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम सांप बनकर दाखिल हो सकते हो। सोगोत में आने के बाद हमने हर जगह खंदकें खोदी हैं। पैथरोस तो गाय को नक्शे पर बताते हुए कहता है इस वक्त तुम यहाँ हो और ये खंदक बाजार और चर्च जा रही है और जब तुम इस खंदक में दाखिल होगे तो ये तुम्हें सीधा वहाँ के बावर्ची खाने में ले जाएगी और तुम्हारे अंदर दाखिल होने की किसी के फरिश्ते को भी खबर नहीं हो सकेगी।
दूसरी तरफ रात के वक्त उस्मान और बाला अपने खेमे में मौजूद होते हैं। उस्मान कहता है सोगोत में कोई पार भी नहीं मार सकेगा, गद्दारों को मौका नहीं दिया जाएगा। फिर उस्मान बाला से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी कल मेरे साथ चलो, ख़वातीन को भी साथ ले लेना। बाला उस्मान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है आप फिक्र मत करें हजूर, जो भी आ जाए मेरी जिम्मेदारी वाली जगह पर हमला नहीं कर सकेगा। उस्मान बाला का हाथ पकड़ते हुए कहता है इसमें कोई शक नहीं है बाला, तुम्हें दी गई जिम्मेदारी के हवाले से मुझे कभी फिक्र नहीं रही। ये सुनकर बाला मुस्कुराने लगती है। उस्मान कहता है मैं उमर साहब को भी दावत दे चुका हूँ, वो भी जिरगे में आ जाएंगे। ये सुनकर बाला कहती है यानी कि मलन खातून का फिर से सामना करना पड़ेगा। उस्मान कहता है उमर साहब का कोई बेटा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी ही आएगी। बाला कहती है अगर उमर साहब का कोई बेटा होता तो क्या मलन इतने फ़खर के साथ खुद को सरदार की बेटी कह रही होती। उस्मान बाला को दिलासा देते हुए कहता है अगर वो सरदार की बेटी है तो तुम भी शेख अदेबाली की बेटी हो, और जब तुम इसका मतलब समझ जाओगी तो तुम्हारे कंधे से बोझ हट जाएगा। ये सुनकर बाला दोबारा मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ लीना अपने बच्चे को झूला दे रही थी। इसके बाद साउची वहाँ आता है तो लीना उठकर साउची के साथ खड़ी हो जाती है। साउची अपने बच्चे को उठा लेता है और कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन हमें हमारे और हमारे वालिद के नाम से पुकारा जाएगा, इसी वजह से कहा जाता है कि अपने बच्चों के प्यारे नाम रखा करो। साउची अपने बच्चे को नाम देते हुए कहता है अब तुम्हारा नाम अर्तरुल होगा। ये कहकर साउची बच्चे के कान में आजान देता है। फिर साउची तीन बार बच्चे के कान में कहता है तुम्हारा नाम अर्तरुल है। ये देखकर लीना बहुत जज्बाती हो जाती है। इसके बाद साउची बच्चे को दोबारा झूले में रख देता है। लीना साउची से कहती है साउची अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ौरन शेख अदेबाली के पास जाना चाहती हूँ। साउची पूछता है क्या हुआ है खातून। लीना कहती है बायोजा के जनाजे के मौके पर मैंने शेख अदेबाली को सुना था, उन्होंने कहा था कुरान में है कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वालों को मरा हुआ मत कहो क्योंकि वो लोग जिंदा हैं, बस तुम लोगों को पता नहीं चलता। साउची कहता है बिल्कुल हमारे रब ने किताब में ऐसा ही फरमाया है। लीना जज्बाती होते हुए कहती है मैं मुसलमान होना चाहती हूँ साउची। ये सुनकर साउची बहुत खुश होता है और लीना के आंसू साफ करने लगता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। तमाम सरदारान जिरगे के लिए इकट्ठे हो रहे थे। सोगोत में सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त रखे गए थे। उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सोगोत में पहुँचते हैं और उस्मान एक जगह पर पहुँच कर बुरहान से कहता है बुरहान कोई भी अपने हथियार अंदर ना लाने पाए। बुरहान पूछता है क्या मैं सरदारों को भी हथियार अंदर ले जाने से मना कर दूँ। उस्मान हाँ में सारे लाता है और फिर अपने घोड़ों से नीचे आ जाता है। इसके बाद सब लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। बंसी साहब जारकुताई के पास आते हैं और अपने हथियार जारकुताई को दे देते हैं। इसके बाद बारी बारी तमाम सरदारान अपने हथियार जारकुताई के हवाले कर देते हैं। इधर पैथरोस अपने तहखाने में कुछ काम में मसरूफ़ था। इसी दौरान तहखाने का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। ये देखकर पैथरोस अपना खंजर उठा लेता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।